हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मिश्रम फ्रॉम नूतन भारत जूनियर कॉलेज अभयंकर नगर नागपुर। टुडे वी विल सी पास्ट टेंस एंड देयर सब पॉइंट्स इन डिटेल्स। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज द फर्स्ट सब काइंड ऑफ पास्ट टेंस एंड द फार्मूला ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हियर V2 means second form of verb. Second sub kind of past tense is past continuous tense. The formula or the structure of past continuous tense is subject plus was were plus V4 plus object. Past perfect tense. Subject plus had plus V3 plus object. And last one is past perfect continuous tense. And the formula of past perfect continuous tense is subject plus had plus been plus V4 plus object. दोस्तों, ये जो tense है उसके ऊपर हर साल exam में दो या तो एक सेंटेंस पक्का होता है, तो इसीलिए आपको उसकी डिटेल्स में स्टडी करना, उसके फार्मूले अच्छे से याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सी इज फिनिशिंग हर वर्क। अब इस सेंटेंस को, सी इज फिनिशिंग हर वर्क, इस सेंटेंस को अगर सिंपल पास्ट टेंस में किया या हमें करना है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में अगर करना है तो उसका आंसर कैसे आएगा। सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, शी। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, V2। V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क। कौन सा यहाँ पे, फिनिशिंग, तो इसका V2 क्या आएगा, फिनिश्ड। बाकी जैसे कि वैसा, शी फिनिश्ड हर वर्क। अब उसको कन्वर्ट करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला हमने बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्क प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसमें सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट शी। सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है वॉज या तो वर्क, पर यहाँ पर सी कैसे है, सिंगुलर है। प्लूरल अगर होता सब्जेक्ट यहाँ पर तो वर लेता, WERE, और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर वॉज। इसके बाद हमें लेना है, और उसके बाद क्या लेंगे हम, V4। V4 मीन्स जो वर्ब होता है उसको ING लगाना, उसको बोलते हैं V4, टू शो द कंटिन्यूस एक्शन। सी वॉज फिनिशिंग, सी वॉज फिनिशिंग हर वर्क। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है फार्मूला उसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बराबर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं हैड, हैड के बाद हम लेंगे V3। अब फिनिश का V3 क्या है, फिनिश्ड। फिनिश्ड हर वर्क। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है शी, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन भी लेना है हमें। इसमें जो भी हमारा फार्मूला हमें बोलते हैं, जो चीज़ें हमें
फॉलो करने के लिए वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। फार्मूले में अगर बिन है तो आपको बिन लिखना ही है, फार्मूले में अगर हैड है तो आपको हैड लिखना ही है। सी हैड बिन वी फोर मीन्स जॉइन आईएनजी टू द मेन वर्ब, यहाँ पर कौन सा आएगा फिनिशिंग। सी हैड बिन फिनिशिंग हर वर्क। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस आपको देते हैं तो उस सेंटेंस को हमें फार्मूला के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हमें आना चाहिए, ठीक है।